हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर देखें अगर, तो ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में चले जाइए, जिस तरह पहले आप पावर जनरेशन लैब में थे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ज़रा ओपन कीजिएगा, वो ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर शुरू में मैंने कर दिया इसको एंटर, ये देखें डाउनलोड CEP डिटेल्स, ठीक है, और उससे नीचे CLOs और CLO PLO मैपिंग और PLOs, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आगे विंडो, पहले CLOs पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, ये देखें विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब ये पुराना कोर्स कोड होगा 2018 का, तो आपका भी वही चल रहा है, अभी हमने चेंज तो नहीं किया, अगर कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी होनी हुई तो इंशाल्लाह इसको चेंज कर देंगे, ये पिछला ही है। अच्छा, इसके अंदर देखें अगर आप, तो इसके अंदर CLOs में तीन CLOs हैं। CLO 1 है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। ये C6 लेवल है इसका, कॉग्निटिव लेवल 6 है, हाइएस्ट लेवल है, ऐसे ही है ना। इसमें नॉलेज के हवाले से डिस्कशन होगी आपकी, क्योंकि इसमें देखें तो सेमीकंडक्टर जितनी भी डिवाइसेज हैं, IGBT MOSFETs और BJT या इस तरह जो भी होंगी, उनकी हम करेक्टरिस्टिक डिटेल के साथ ना उनकी इसमें हम सॉफ्टवेयर में मल्टी सिम हम यूज़ करेंगे। मल्टी सिम 14.2 है, वरना 14.3 भी आ गया लेटेस्ट, तो लेकिन 14.2 करेंगे। अच्छा, C6 लेवल हो गया। दूसरा CLO है एनालिसिस ऑफ द पावर स्टेज ऑफ DC-DC कन्वर्टर्स थ्रू सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस। अब वो जो हमने पिछले सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, फिर हम उनको यूज़ करेंगे, उनको यूज़ करने के बाद हम फिर एडवांस एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें कन्वर्टर्स हैं। तो उसमें कन्वर्टर्स में भी चार तरह के कन्वर्टर्स होते हैं, कि एक DC-DC कन्वर्टर, DC-AC कन्वर्टर, AC-DC और AC-AC। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि DC-DC कन्वर्टर तो चले हो गया ना, DC-DC कन्वर्टर ही हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं DC-AC कन्वर्टर का नाम एक स्पेसिफिक है, वो क्या है? DC-AC, वेरी गुड, वंडरफुल। इनका इनका रोल नंबर लिख लें हसन जल्दी जल्दी, वंडरफुल, ठीक है। तो DC-AC कन्वर्टर को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, ये हसन का भी लिख रहे रोल नंबर, इन्होंने ऐसे ही एग्जाम्पल भी दे दी, हसन अपना भी लिखें। अच्छा, इसी तरह फिर आपने DC-AC हो गया, अब AC-DC क्या होगा? वेरी गुड, वो रेक्टिफायर होगा, ठीक है। सबका मुश्किल हो जाएगा ये, बस ठीक है। अच्छा, AC-DC रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। और आगे क्या है? AC-DC को क्या कहते हैं? AC-AC को नहीं, अच्छा ये डी, अच्छा बूस्ट से याद आया, आपका नाम मुझे भूल गया, हारिस, हारिस, हारिस आप आए नहीं, अल्लाह के बंदे नाराज होकर चले गए हमसे। अच्छा, DC-DC कन्वर्टर्स जो है, इसके अंदर अगर आप देखें तो जैसा हारिस ने बताया कि DC-DC बूस्ट कन्वर्टर, तो वो बूस्ट कन्वर्टर भी इसी में आएगा और बक भी इसी में आएगा। बक स्टेप डाउन करेगा सिंपल वोल्टेज और बूस्ट करेगा, हारिस का भी रोल नंबर लिख लें। अच्छा, अब ये हो गया आपका DC-DC कन्वर्टर्स थ्रू सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस। तो अब सॉफ्टवेयर हम मल्टी सिम यूज़ करेंगे, ये हमारी पीछे शुरू से हम मल्टी सिम यूज़ कर रहे हैं। वैसे पिछली दफ़ा जो है ना, मैंने उसको मैटलैब सिमुलिंक भी बीच में इन्वॉल्व किया था, और दोनों को पैरेलल थोड़ा सा दो डिफरेंट इन्वायरमेंट में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस दफ़ा कोशिश करेंगे कोई तीसरा सॉफ्टवेयर मुझे मिल जाएगा अच्छा सा, वरना मैटलैब तो है ही, तो वरना फ़िलहाल मेरा ये एक मल्टी सिम मेन, हाँ मल्टी सिम वो ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें तो नीचे डिज़ाइन सिमुलेशन एंड हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पावर कन्वर्टर, ठीक है। तो ये CLO 3 प्योरली आपका CEP होगा। तो CEP हमारा जो है ना, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, वो हमारा लैब के अंदर है, जिस तरह पावर जनरेशन में था। तो ये डिज़ाइन सिमुलेशन CLO 3 हम कवर करेंगे उसके अंदर CEP में। अब CEP में क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि CEP पे आ ही गया है, तो हम CEP पे डायरेक्ट जाएँ ज़रा। वो किधर गया? CEP जो आपने ओपन किया ना, ये यस, ये वाला यस। अब इसके अंदर देखें तो आप, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक टेंटेटिव दिया हुआ है, इस तरह का आप चूज़ कर लें, अभी से चूज़ करना चाहें तो कर लें, ठीक है। तो मुझे बता देंगे मैंने ये काम करना है, वरना मिड में तो आपको फाइनल करना ही पड़ेगा, ऐसे ही है ना। तो इसके अंदर देखें तो दी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये एक CEP है, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू डेवलप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स दैट मार्क द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। पहला है दी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद एक्टिविटी कवर्स सूटेबल सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस, डेफिनेटली यू विल यूज द सॉफ्टवेयर, वेदर इट इज सिमुलिंक और मल्टी सिम आर एनी अदर सॉफ्टवेयर यू प्रेफर, ओके नो प्रॉब्लम। दी एक्टिविटी कवर्स हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, तो फिर आपने उसके अंदर उसका आप पूरा, मतलब पूरा जो आपका सर्किट है उस पूरे को हार्डवेयर पे करें, या हो सकता है पॉसिबल ना हो तो सिमुलेशन में कंप्लीट सर्किट करें और उसका कोई एक पार्ट हार्डवेयर। मिसाल तौर पे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि आपने इन्वर्टर भी बीच में यूज़ हो रहा है और रेक्टिफायर भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, यानी पहले DC की है आपने और उसके बाद AC की है, तो आप ये पूरा आप सिमुलेशन में कर सकते हैं और सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला पोर्शन आप हार्डवेयर पर कर लें। तो मतलब इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह कर लें। अच्छा, आउटकम्स में देखें तो द एक्टिविटी इज मैप टू CLO 3, योर परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन CLO अटेनमेंट। इसमें देखें CLO 3 वही जो मैंने बताया कवर हो जाएगा, आप साइकोमोटर 3 लेवल होगा इसका,
और PLO इसमें अंदर 3 4 9 10 आएगा। 3 4 9 10 क्या है? ये PLO खोले जरा, वो लिखे हैं सर। हाँ इधर भी लिखे हैं वो, इधर इधर ये वो है सर। ये अगले नेक्स्ट ये ठीक है। तो PLO जो है इसके अंदर आप देखें तो 3 4 9 10, 3 देखें तो आपका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, डेफिनेटली यू इन्वॉल्व इन दिस वन, इन्वेस्टिगेशन भी इसमें शामिल होगी। और उसके बाद जो है 9 10 जो है, 9 देखें तो आपकी इंडिविजुअल एंड टीम वर्क हो गया, ठीक है। और 10 कम्युनिकेशन आपकी रिपोर्ट्स वगैरह से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अच्छा अब उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट है, आप इस तरह का कुछ और करेंगे। UPS बनाना है हमने, आल्सो नोन एंड दिस वन इज एन इलेक्ट्रिकल अपरेटस दैट प्रोवाइड्स एमरजेंसी पावर टू क्रिटिकल लोड्स व्हेन द यूटिलिटी सप्लाइड पावर फेल्स आर वोल्टेज ड्रॉप्स टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। UPS अलोज फॉर द सेफ ऑर्डरली शट डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। द साइज एंड डिजाइन ऑफ द UPS डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल सप्लाई पावर। तो है UPS, बस उसको इधर से कान पकड़ के बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखा है। असल में क्या है, सिंपल UPS डिजाइन का। अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाइए, ठीक। तो ये कम्युनिकेशन भी आपकी इस तरह की, मतलब अच्छी स्टेटमेंट बनाए। पार्ट वन है, आपने सिंपल UPS बनाना है सिमुलेशन में, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, फॉर एग्जांपल मैं बता दिया कि 300 वाट का UPS बनाएं। अब मैं आपको ये भी कर सकता हूँ, अगर आपने खुद ना मुझे प्रपोजल दी तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर UPS ही देना है तो मैं आपको कहूँगा आपका रोल नंबर अगर 40 है तो आप 400 वाट का बना लें। अगर आपका रोल नंबर 10 है तो 1 KVA का बना लें, ठीक है। तो इस तरह रोल नंबर के हिसाब से चेंज कर देंगे फिर। इन मैटलैब सिमुलिंक कार मल्टीसिम आर एनी अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इफ वाउडर सप्लाई अवेलेबल देन UPS, वो आपको पता ही है कि UPS कैसे फंक्शन करता है, ये उधर वेबसाइट से आप पढ़ भी लीजिएगा। फिर पार्ट टू है हार्डवेयर डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें यू नीड टू डिज़ाइन बूस्ट कन्वर्टर। आप देखें UPS के अंदर सिर्फ बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करें। 12 वोल्ट उसकी बता दिया कि आपने आउटपुट 12 वोल्ट लेनी है और जो उसकी इनपुट है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। यू कैन चूज अदर पैरामीटर्स बाय योर ओन, कि प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप बाकी पैरामीटर्स की कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन। आपने इंडक्टर का साइज क्या रखना है, कैपेसिटर का क्या रखना है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन हमें डिजायर्ड ये है कि इनपुट और आउटपुट से गर्ज है ये इतनी होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से। अब डिलीवरेबल्स क्या है, प्लीज़ फॉलो द फॉलोइंग डेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवर। फॉर एग्जांपल द सिमुलेशन बेस्ड डिजाइन एंड रिजल्ट टू बी एवेल्युएटेड दिस, मतलब आपकी इस तरह डेट आ जाएगी कि भाई इस डेट में करना है तो, और इसी तरह फिर हार्डवेयर जो है उसका थोड़ा मजीद टाइम। तो इस तरीके से आप नोट्स में देखें, प्रोजेक्ट फाइनल रिपोर्ट शुड इंक्लूड, टाइटल पेज है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बैकग्राउंड है, यानी आप इसका कोई लिटरेचर व्यू भी थोड़ा सा या बैकग्राउंड का बताएं, और एब्स्ट्रैक्ट है, कंपोनेंट्स, आपने कंपोनेंट्स उसमें कौन कौन से लगाए हैं, उसकी मार्केट से प्राइस लें, इसकी ये प्राइस थी, ये कंपोनेंट मैंने लगाया है, और इसी तरह जो है उसकी रेटिंग ये थी, मतलब उसकी, और सर्किट डायग्राम, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग, फिर सिमुलेशंस के अंदर कोड और उसका जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद कंक्लूजन। तो ये एक CEP इस तरह का बन जाएगा। अच्छा उसके बाद कहाँ गए थे हम, अच्छा ये हो गया हमारा CLO3 भी हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद पीछे आए रहा ये CLO PLO मैपिंग है ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर देखें तो ये मैपिंग आपको नज़र आ रही है, वो डेफिनेटली देखें CLO3 था तो उसकी मैपिंग क्या था, PLO3 PLO4 PLO9 और PLO10। तो आप देखें कि PLO3 चेकबॉक्स है, ये चेकबॉक्स है, यहाँ ये PLO ये वाला चेकबॉक्स है, फिर ये PLO9 और PLO10, ठीक है। तो ये चेकबॉक्स हो, इस तरह CLO2 देखें वो मैप हो रहा है PLO4 और PLO5 और PLO10 से, और CLO1 जो है वो PLO4 5 और 10 से। अब इस तरह की ना मुझे एक्सेल शीट अभी बनानी है, जैसे पावर जनरेशन में मैंने बनाई थी इसी तरह की डेल PLO के साथ कि इसका PLO4 क्या है, लेकिन अभी वो एक्सेल अभी मैं फर्क उसको बनाया नहीं है, तो उसमें बना के फिर डाटा जो हम ले रहे हैं सारा उसको फिर अकॉर्डिंगली उसमें वो करेंगे, ठीक। ये हो गया आपका। अब आप वेबसाइट खोल लें मल्टी सिम वाली, अगर मल्टी सिम वाली वेबसाइट शुरू में ये वाली, अब इसमें देखें तो मल्टी सिम इज़ ऊपर जाएँ ज़रा, मल्टी सिम इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्पाई सिमुलेशन एंड सर्किट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फॉर एनालॉग डिजिटल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो हमने एजुकेशन में करना है, थोड़ा सा आपका एज अ CEP रिसर्च भी बीच में आप उसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व होगी, लेकिन यह डिटेल्ड इसमें रिसर्च भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है मल्टी सिम, और देखें तो ये 14.3 लेटेस्ट आ गया है ये देखें अगर, तो ये जो है शुरू से कब से चला हुआ, 10 पैच से चला था और 13.3 था, 14.3 आ गया। तो अच्छा अब आप देखें ये मेरे ख्याल जर्मन, इंग्लिश और जर्मन। अच्छा उसके बाद देखें इसको डाउनलोड करना है, तो ये गेट इनटू PC आपको वैसे ही पता है, तो अब इस पर 14 पॉइंट ये जिस तरह इन्होंने लिखा है, तो ये आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपका इन्होंने हाउ टू इंस्टॉल दिस उसकी वीडियो भी दी हुई है, हाउ टू इंस्टॉल ये वाली, ये नीचे ये वाली हाउ टू इंस्टॉल ये ऊपर वाली ये वीडियो है, ये वीडियो देख लें और नीचे डाउनलोड करें और उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो नीचे पासवर्ड उसका 123 होगा। तो ये हो गया, चाहे इस मल्टी सिम तो इसी से हो जाएगा, इसलिए हमें download.ir जो अगली वेबसाइट है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये अगर उर्दू में हो तो इसको राइट, अरबी में हो तो इसको राइट क्लिक करें सरा और ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर दें ये, ठीक है। तो इसको कर गया तो इसको आपको ये क्या नाम है, इधर आप लिखेंगे इसके इधर लेफ्ट टॉप पे इसका बना हुआ है आइकन,
ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ यहाँ सर्च करेंगे मल्टी सिम, तो इधर से आप इसको मल्टी सिम लिखेंगे तो यहाँ आपको वो आ जाएगा। ठीक, ये 14.3 मेरे ख्याल अवेलेबल है इसमें, तो किसी ने 14.3 करना है तो ओके वो कर लें, लेकिन ये है कि हम 14.2 यूज़ करेंगे, ये सिर्फ 14.2। अच्छा ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर कई दफ़ा गेट इन टू पीसी में जो है ना वो उस सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ, मुझे एक दफ़ा इशू हुआ था इसलिए डाउनलोडिंग में दैट वॉज रिजॉल्व। अच्छा अब हम चलते हैं आगे मल्टी सिम में, तो मल्टी सिम आप ओपन करें, अब डायरेक्ट इन्वायरमेंट में चलते हैं अभी। अच्छा ये इन्वायरमेंट हमारे पास ओपन हो गया। ठीक, अच्छा अब हम इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये इन्वायरमेंट तो सारा डेफिनेटली इसको डिटेल्ड है, तो साथ साथ आप भी बताते जाइएगा कोई नई चीज़ आपके जहन में आए तो। अब इसमें हम डायरेक्ट जाते हैं, कोई एक सर्किट बनाते हैं और उसमें उसका एनालिसिस करते हैं। उसके लिए प्लेस के अंदर ऑप्शन में है कंपोनेंट्स का, तो कंपोनेंट में जाएँ, ये पहले आपने यूज़ भी किया हुआ है मेरे ख्याल में ना, तो कंपोनेंट्स में जाएँ और यहाँ देखें तो आपका ग्रुप है, डेटाबेस है और उसके बाद ग्रुप है। ठीक है, डेटाबेस में क्या फ़र्क है, ये कॉर्पोरेट में क्या आता है, यूज़र डेटाबेस ये आपका अपना बन जाएगा। ठीक है, तो मास्टर में जाएँ, इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल ग्रुप्स के अंदर जो है, इसके अंदर हमने जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें बेसिक्स, और ये बेसिक्स में जाएँ, बेसिक्स के अंदर अगर आप देखें तो हमने फॉर एग्जांपल कोई रजिस्टर उठाना है तो हमने कोई रजिस्टर एक लिया, और रजिस्टर फॉर एग्जांपल हमने 100 ओम का एक रजिस्टर ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर लिया और ये प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब रजिस्टर को इसको डबल क्लिक करें तो इसको इधर भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 100 का था तो आप 1000 कर दें और ओके कर दें तो ये 1000 हो गया। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू जो है ये देखें वैल्यू चेंज कर दें, 1K इसको लिखना चाहें तो 1K भी मेरे ख्याल चल जाएगा काम, ये इस तरह 1K कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद देखें तो हमने नेक्स्ट रजिस्टर लगाना है तो इसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+C और V, और इसको रोटेट करें तो होता है, हाँ जी Ctrl+R कर दें तो रोटेट भी हो जाएगा, Ctrl+C और V करें, Ctrl+V और R, Ctrl+R करें, इसको रोटेट कर लें इस तरह, इसको एज आ ये ले लें इस तरह एज आ लोड के तौर पे, इसको ड्रैग करके नीचे ले आए, हाँ इधर लिए, इसकी वैल्यू चेंज करनी है फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 100 ओम कर देते हैं। ठीक है, हाँ आज की लैब का टाइटल है इंट्रो, अच्छा आपने याद करो, अच्छा इसमें वो वेबसाइट ओपन करें ज़रा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लैब है ये देखें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब है ना, तो आज का टाइटल सबसे नीचे जाएँ, ये जो पिछली वीडियोस बनी हुई है ना उससे टाइटल ले लेते हैं हम, फिलहाल नया तो नहीं बनाया, तो ये देखें थोड़ा सा ऊपर जाएँ, ये ऊपर टाइटल भी जाएँ, हाँ ये तो ये इंट्रोडक्शन टू मल्टी सिम हमारा आज का टाइटल है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 1, इसमें इंट्रोडक्शन टू मल्टी सिम ही है बस सिंपल। ठीक है, तो इसके बाद ये देखें इसकी वीडियोस पिछली भी पड़ी हैं रिकॉर्डिंग सारी, अगर आप देखना चाहें तो ये पीछे बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ऊपर जाएं, लैब 2 है, थोड़ा सा कर ही देते हैं सारे लैब्स में क्या आएगा, लैब 2 कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रेक्टिफायर वर्सेस शॉटकी या शॉकी बैरियर डायोड्स है, शॉटकी है ना, शॉटकी जैसे कहते हैं ना ऐसे ही है ना तो शॉटकी बैरियर डायोड्स। ठीक है, इसका कंपैरिजन ये क्या क्या करना है, टेंटेटिव यही होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद लैब 3 जाएँ तो करेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्शन ये मॉस्फेट आ गया, फिर मॉस्फेट करेंगे, फिर उससे आगे जाएं, उसके बाद आप हमारा आ जाएगा BJT आ जाएगा। ठीक है, और BJT के बाद अगली लैब है हमारी IGBT की, और उसके बाद हमारी लैब है थायरिस्टर पे। ठीक है, थायरिस्टर पे होगी पावर थायरिस्टर, उसके बाद हमारा इंडक्टर वोल्ट बैलेंस और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस ये हम देखेंगे, और उसके बाद हमारा होगा बक बूस्ट कन्वर्टर होगा। ठीक है, बक बूस्ट कन्वर्टर, ये DC-DC कन्वर्टर पे अब आए हैं हम। ठीक है, वो पहले यानी 7 लैब्स हमारी बेसिक पे चलती रही और उसके बाद अभी इम्प्लीमेंटेशन आई है, यानी CLO2 अभी शुरू हुआ है, पहले CLO1 पे 7 लैब्स थी। अच्छा उसके बाद कक कन्वर्टर या कुक क्या कहते हैं उसको, कक ही कह लें। ठीक है, कक कन्वर्टर या सर जो भी आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा इन्वर्टर डिज़ाइन एंड मल्टी, फिर हम इन्वर्टर पर आ गए, देखिए DC-AC कन्वर्टर जो है वो आ गया, इन्वर्टर डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन, DC-DC बक कन्वर्टर है इसका एक वो सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम बूस्ट कन्वर्टर करेंगे फीडबैक के साथ, एक ओपन लूप है और फिर एक फीडबैक लूप या क्लोज लूप जो है वो करेंगे, फिर हम उसके बाद आप फुल ब्रिज इन्वर्टर बनाएंगे। ठीक है, फुल ब्रिज इन्वर्टर, यूनिपोलर, बाईपोलर भी होता है, यूनिपोलर दो एक, ये यूनिपोलर है। ठीक, बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी ये देखें, ये सारी इधर आती रहेंगी। ठीक है, ये सारी बस रिकॉर्डिंग डालूंगा, बाकी डिटेल तो पहले डाली हुई है, तो मैं इधर सिर्फ जो आज की रिकॉर्डिंग्स हैं इस तरह की डलती रहेंगी। अच्छा चलें, अब चलते हैं हम इधर,
अब हमें चाहिए डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स मल्टी सिम में चलते हैं अभी, ठीक है। तो मल्टी सिम में आप इसमें प्लेस में जाएं, कंपोनेंट्स में, सोर्स में जाएं, वेरी गुड। तो सोर्स में जाएं और सोर्स में जाके आप इसको बेसिक्स में ये ग्रुप में जाएं, सोर्सेज में क्लिक करें और यहाँ आपका डीसी पावर लिखा होगा, डीसी पावर पे क्लिक करें और ये आपका डीसी पावर आ जाएगा, ठीक है। नीचे नीचे होगा, बिल्कुल नीचे, सर वो पावर सोर्स में जाएं, नहीं सोर्स में जाएं, ऑल फैमिली से नीचे सर, हाँ ये पावर सोर्स में चले जाएं, ये भी ठीक, वो डीसी पावर पे चले जाएं, डीसी पावर ये, हाँ ये सर्च भी इन्होंने ठीक कहा है, आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करें, अच्छा इस पर डीसी सोर्स पे क्लिक करें और इधर नीचे रिप्लेस लिखा हुआ है, रिप्लेस, अच्छा इसको रिप्लेस करना है एसी सोर्स से, फॉर एग्जांपल, तो आप इधर एसी लिखें, हम एसी लिखते हैं, सर्च करते हैं जिस तरह इन्होंने कहा है ना, आपका नाम क्या, नईम साहब ने जब कहा है, एसी लिखें आप, तो ये देखें एसी पावर आ गया, ओके करें तो ये देखें आपका रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अब आप दोबारा रिप्लेस इसको डीसी से करें, ठीक है। अच्छा कंट्रोल जी से होता है, ये कंट्रोल जी से, हाँ ये कंट्रोल जी से भी हो जाएगा, चलो एक स्टेप अनडू कर लें। अच्छा अब हमने इसको कनेक्ट करना है, अच्छा हमें ग्राउंड भी चाहिए, ग्राउंड, ठीक है। तो आएगा प्लेस कंपोनेंट का शॉर्टकट क्या है, ये देखें कंपोनेंट का कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो आप इसको कंट्रोल डब्ल्यू लिखें बस सिंपल इधर, ठीक है, और कंट्रोल डब्ल्यू करें, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह शॉर्टकट भी थोड़े से, अब इसमें देखें तो हमने ग्राउंड लेना है, तो बताएं किधर है ग्राउंड, वेरी गुड, सोर्सेज में जाएं और सोर्सेज में पावर सोर्स में जाएं और यहाँ ग्राउंड है, या सिंपल आप ग्राउंड लिखेंगे तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। किधर, हाँ किधर बना हुआ है, हाँ वो इधर बना होगा इधर, ठीक है, आपकी नहीं है सर, हाँ सही है, इधर बनाया तो फिर उधर से ले। अच्छा अब हमने कनेक्ट करना है इनको, कनेक्ट करें आपस में, फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्ट कर दिया, इसको इस तरह कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, और ग्राउंड को भी ड्रैग करके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये सोर्स है, इसको सेंटर में करना है, ज़रा थोड़ा सर्किट खूबसूरत लगे ऐसे ही ना, इसको ड्रैग करके ऊपर करें, ज़रा होता है, लेकिन ये वायर भी चेंज होगी, इसको पकड़ के ड्रैग करके नीचे कर दें इस तरह, ये देखें ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये देखें इसको आपने सर्किट को इस तरह मूव करना है, करके दिखाएं ज़रा इनको, ये इस तरह फॉर एग्जाम्पल आर टू आप इस तरह मूव करना चाह रहे हैं, तो ये देखें सर्किट को थोड़ा खुला खुला कर दें ताकि जो ना नज़र आए हर चीज़, ये जी जी हाँ मैनुअल का याद करवा दिया आपने फिर, तो उसका भी जो है वो आपको एक फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा, तो इसकी इस तरह रिपोर्ट्स आपने बनानी है जिस तरह पहले बनाते रहे, तो सॉफ्ट में बनाइएगा, तो उधर ही गूगल क्लासरूम में एक लिंक बनाऊंगा, अगली दफ़ा जैसे आएंगे तो लिंक बनाएंगे, उधर ही अपलोड कर देना इधर, ठीक है, 10 मिनट देंगे उधर ही अपलोड कर दें, सॉफ्ट में आखिर में प्रिंट करवा लेंगे हार्ड में, क्या ख्याल है। और जिस तरह आज जो भी कर रहे हैं आप स्टेप्स, तो ये पेंट में जाएंगे आप, अभी इन्होंने बताया था चलें कर लेते हैं, पेंट में जाएं, जरा पेंट में, पेंट में जाएं, पेंट 3D नहीं, पेंट सिंपल खोलना, पेंट सिंपल, ठीक है जी, मैंने पेंट ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आप जाएं उधर मल्टी सिम में, और फॉर एग्जांपल आपने ये कंपोनेंट्स कैसे लिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्लेस पे क्लिक करता हूँ और कंपोनेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप उसकी भी तस्वीर ले सकते हैं, और इसकी फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट स्क्रीन इस तरह करता हूँ, ये देखें इसकी पूरी स्क्रीन की, और इसको मैं उसमें ले गया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें पेस्ट कर गए, अब आप इसमें फॉर एग्जांपल इधर रेक्टेंगल लें और इधर से रेड, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, बाकी तो आप बड़े माहिर हैं इस वाले से, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये ग्रुप में जाके इसको हाईलाइट कर देंगे, मैंने ग्रुप में सोर्स को सिलेक्ट किया, ये देखें इस तरह करें, थोड़ा जूम भी कर लें ताकि नज़र आए, हाँ इस तरह, अब उसमें रेक्टेंगल लें रेड कलर की, तो फॉर एग्जांपल आपने इस तरह लिख देंगे, ये देखें रेड सोर्स, इसको आप 1 नंबर भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, मतलब तो ये देखें रेड करें इसको, तो ये देखें रेड, मतलब सोर्सेज पे गए हैं, फिर आप एक और करें फॉर एग्जांपल रेड, ये भी कर दें, पावर सोर्स में गए हैं फिर, और उसके बाद आप ग्राउंड में गए हैं, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह इजीली आपको पता चल गया, और ये स्टेप्स आप लिख दें, तो एक पिक्चर में भी आपने ट्यूटोरियल भी बता दिया और नीचे 2-3 स्टेप भी लिख दिया कि मैंने ऐसे किया, तो एनीवन हु रीड योर मैनुअल कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, हाँ 1-2-3 लिख दें, मतलब ये मतलब जितना ईजी कर लें आप, ठीक है, इसको आप इस तरह का आपका एक मैनुअल बन जाएगा आज का जो इंट्रोडक्शन का, ठीक। तो ये हो गया, इसके बाद आप देखें तो चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा डीसी एक सर्किट बन गया, सही है ना, अच्छा अब हमने करना क्या है, वोल्टेज मेजर करना, वेरी गुड वेरी गुड, अब वोल्टेज मेजर करनी है, तो अब आप प्रोब लगाएं, प्रोब इधर भी पड़ी है या फिर इधर प्लेस में जाएं, और प्लेस में प्लेस प्रोब के नाम से आपका ये वाला इसके अंदर वोल्टेज प्रोब है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैंने वोल्टेज प्रोब, जैसे ही देखें वोल्टेज प्रोब कलर चेंज है, जैसे ही वो वायर पे क्लिक कनेक्शन पे क्लिक होगी तो उसका ग्रीन कलर हो जाएगा, तो यू विल सी के नो प्रोब इज प्रॉपरली प्लेस। तो प्रोब आपने किसी भी कनेक्शन, दो कंपोनेंट्स हैं, सोर्स है, रजिस्टर है, उनके दरमियान जो कनेक्शन है उस पे लगानी है आपने, ठीक है।
अब वोल्टेज ये क्या शो कर रही है, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज विद रेफरेंस टू ग्राउंड ये मेजर करेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज कौन सी होगी, वेरी गुड, ये सोर्स होगी, क्योंकि इसका एक पॉइंट इधर है, एक जीरो पे है, तो उसके दरमियान में सोर्स ही आ रहा है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आर वन और आर टू के अक्रॉस जो वोल्टेज है, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो होगी, बस इस तरह कह लें, जैसे भी कह लें। अच्छा, इसी तरह एक प्रोब और लगाते हैं, वोल्टेज प्रोब, और इधर लगा देते हैं इस साइड में। अब ये वोल्टेज कौन सी होगी, किसके क्रॉस होगी, जो आर वन के क्रॉस कह रहे हैं वो प्रोब होगी सर, आर ये जो वोल्टेज है, ये जो प्रोब पी आर टू है, ये वाली, ये किसके क्रॉस वोल्टेज होगी, आर टू के क्रॉस होगी, ठीक है। तो ये आर टू के क्रॉस है, यानी ये प्रोब, इसका ये पॉइंट विद रेफरेंस टू ग्राउंड, इसके और इसके दरमियान ये आर टू ही आ रहा है ना, तो या इसको कह लें कि इन दोनों के क्रॉस होगी, तो बेहतर है इसके क्रॉस ही कहें आप, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो हमने करंट ये करना है, ठीक है। तो चाहे सीरीज में सर्किट है तो करंट एक ही फ्लो होगा, तो हम करंट के लिए किसी भी एक जगह पे, फॉर एग्जांपल इधर हम ट्रेस कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये करंट आपका सीरीज में एक ही करंट फ्लो होगा, सेम वैल्यू होगी। अच्छा, अब हमने पावर निकालनी है, तो पावर के लिए आप ये करेंगे, यहाँ से पावर प्रोब निकालें और पावर को आपने क्या करना है, कंपोनेंट के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट की पावर क्या है, ये डब्ल्यू आई एस, तो ये आप यहाँ करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करें, ये इस पर क्लिक करें, ये देखें आपका कलर डिफरेंट होगा, किसी वायर पे रखेंगे स्टिल कलर डिफरेंट, इसका मतलब अभी नहीं वो मेल कर रहा है, जैसे ही कंपोनेंट पे आएंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। इसको ये ड्रैग करके नीचे कर लें, ये देखें इस तरह नीचे कर लें ताकि इट शुड बी विजिबल, ऐसे ही है ना, हाँ इधर कर लें, इधर भी सही, मतलब ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर आपने, अच्छा ये प्रोब को अगर मैं इसको इधर, ये 45 डिग्री पे है ना, इसको अगर मैं इधर 135 डिग्री पे करना चाहूँ तो होता है ये वैसे, कैसे होगा, वेरी गुड, ये इनका रोल नंबर लिखें यार, आपका नाम मुझे फिर बोलिए, अली अली, बस अली, ठीक है अली याद रहेगा, 180 सर, रोल नंबर लिखना। अच्छा, कंट्रोल आर, हाँ ये देखें ना इस तरह कर लें, वेरी गुड, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से आपको एक गिफ्ट। अच्छा चलें, ये इसी तरह पावर आप बाकी आर वन की भी निकालें इस तरह, और इस तरह सोर्स की भी निकालें, ठीक है। तो इसको भी आप आर कर लें, इधर बाहर निकाल लें, ये ठीक है, रन बड़ा भट साहब को देखे ना कितने। अच्छा चलें, ये आ गया। अच्छा, अब हम सर्किट कंप्लीट हो गया, बस हम रन करते हैं, भट साहब की बात मानते हैं, चलें रन करें, सिमुलेट करें, F5 प्रेस करें या फिर देखें ये सिमुलेट, ये रन हो गया। अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं, आप भी इसकी इसमें इनपुट डालिएगा कि फॉर एग्जांपल वोल्टेज प्रोब देखें अगर आप, तो वोल्टेज प्रोब में एक ऊपर आपको 12 वोल्ट नज़र आ रहा है, उसके बाद एक वी डी सी 12 वोल्ट आ रहा है, वी पीक टू पीक और वी आर एम एस जीरो है, और फ्रीक्वेंसी वी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी नहीं है, तो हाँ ये डी सी है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं है, ज़ीरो है फ्रीक्वेंसी इसकी, और इसी तरह आर एम एस और पीक टू पीक भी नहीं है, और ये ऊपर वाली भी 12 है, नीचे वाली भी 12 है, वी डी सी, इसमें क्या फ़र्क होगा वैसे वी डी सी में और सिंपल वी में, ये कोई बता सकते हैं सर, ये टोटल वोल्टेज है ऊपर वाला 12, टोटल से क्या बना दे, यहां पे ड्रॉप हो रहा है सर, इतना वोल्टेज है क्या कह रहे हैं, नहीं फिर वो वीडीसी नीचे वाली वो कौन सी है सर, वो बताया गया कि सोर्स है जो वी वोल्टेज ड्रॉप है, डीसी सोर्स है हमारे पास या एसी, नहीं 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 ये देखे ना, वो तो एक ही प्रोब है ना, प्रोब में ये ऊपर भी 12 वोल्ट है, नीचे भी 12 है, क्या फर्क है इसमें, कोई फर्क नहीं। अच्छा, तो फिर दो क्यों दिए इसने, ऊपर वाले एसी भी हो सकते हैं, नीचे उसने ब्लैक किया ब्लैक कौन सा, एसी और डीसी दोनों, हां ये भी एक इनका अच्छा पॉइंट है कि ऊपर वाली कोई भी हो सकती है और नीचे वाली आपकी फिक्स डीसी है, चलो ये भी एक चल अच्छा पॉइंट है, इनका रोल नंबर लिख लें। अच्छा, और कौन सा, और क्या पॉइंट है, गेन क्या है, गेन से क्या मतलब है, चले ये जब हम एसी सिग्नल में जाएंगे, इधर एसी सोर्स लगाएंगे ना, फिर फर्क नजर आएगा, फिर आपने मुझे इसका आंसर देना है, अभी नहीं मैं देता आपको, ठीक है, क्या दोबारा बताए, चले वो एसी सोर्स लगे ना, फिर आप जरा कंफर्म होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा। अच्छा चले, ये हो गया, अब आगे जाए आप करंट पे जाए इसी तरह। अच्छा, अब देखें वोल्टेज अक्रॉस आर टू, रजिस्टर आर टू के अक्रॉस वोल्टेज मैंने लेनी हो तो कहाँ के कितनी वोल्टेज है ये बता दें, रजिस्टर अक्रॉस आर टू 1.09 ऐसी है,
अब इस पे कोई रूल कोई लॉ है जिस ला लगा के हम ये वोल्टेज डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये इसके क्रॉस कौन सा मतलब उसमें कैसे आएगा? एक बंदा चलिए आप बता दें बस, एक मिनट आप बताएं, चले वेरी गुड। अब इस तरह करके देखेंगे ये आती है कि नहीं, ये करके दिखाएंगे, कोई बंदा ये कैलकुलेशन करे और दिखाएगा कि ये आती है कि नहीं। आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू और मल्टीप्लाई बाई सोर्स 12 वोल्ट, ये रीडिंग लें जरा और मुझे बताएं कि आई कि नहीं। 100 डिवाइड बाई 1100 आ जाएगी ना, 1100 मल्टीप्लाई बाई 12 तो ये 1.09 आ गई है, सही है ना? तो यही आपकी 1.09 यहाँ आपको वोल्टेज मिल रही है, ठीक है? हाँ वेरी गुड, ये देखना फिजा ने दोनों को हाँ, यानी सोर्स वोल्टेज माइनस वो करें, इनका कर ले चला इनका पॉइंट फिजा ने दीना का ये करें। अच्छा अब अच्छा इसका एक और भी हल है, इसका और भी हल है कि ये एक आपकी प्लेस में जाए तो वोल्टेज प्लेस प्रो में, ये नीचे आप देखें तो डिफरेंशियल वोल्टेज भी है, इस पर क्लिक करें जरा और इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करें यहाँ, यानी 1K के क्रॉस आप लेना चाह रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे करें और इसके राइट साइड पे करें। ये देखें राइट साइड पे आपकी रेफरेंस, थोड़ा जूम कर लें या ये थोड़ा सा ना वो हो गया, ये रेफरेंस है, ठीक है? तो उसका रेफरेंस का मतलब है कि अब इसकी वोल्टेज विद रेफरेंस टू दिस राइट साइड ऑफ दिस रेजिस्टर, ऐसे ही है ना? यानी ये जो पोटेंशियल प्रोब जो है वो ये क्या कर रही है, इसकी वोल्टेज विद रेफरेंस टू दिस वन, अब ग्राउंड को नहीं रेफरेंस ले रही, अब ये इसी के क्रॉस वोल्टेज बताएगी। अब हम रन करते हैं तो ये वही होनी चाहिए जिस तरह फैजान ने कहा के सोर्स माइनस दिस, तो आप देखें कितनी है, ये 10.9 है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आगे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीमीटर किधर है? ये डिलीट कर दें, ये डिफरेंशियल वाली डिलीट कर दें, सिंपली बस वोल्टेज डिवाइडर लगा लें। हाँ ये यही मैंने अभी कहा ना, बिल्कुल हाँ इसी तरह किया ना, अभी हमने वही किया ना, ये वही किया ना, ठीक है? मल्टीमीटर किधर आया आपने? अच्छा लगाया, फिर लगा के दिखाएं मुझे। हाँ सिमुलेशन रन हो रही होगी तो प्लेस नहीं होगा, ठीक है? ये भी चीज़ आपने देखनी है। अच्छा इसमें जाए आपका ये, वेरी गुड। अगर मैंने प्लेस में जाके करूँ तो इधर किधर है आपके, कोई है अगर? अच्छा प्लेस में मुझे ऑप्शन बताएं कि किधर है ये, इसको ये मल्टीमीटर कहाँ से आएगा? इधर ये जो आपका मेन्यू बना हुआ ना फाइल एडिट, इसमें प्लेस में इधर देखें, इधर किधर ऑप्शन है ढूंढ के कोई भी मुझे बताएं जरा। प्रोब में जाऊँ, ये जो इन्होंने मल्टीमीटर लगाया ना, ये क्या लगाया? मल्टीमीटर। अब ये जो मल्टीमीटर है ये मैंने इधर से ढूंढना है, जिधर ये प्लेस में या किधर, इधर इधर से कहीं से ऑप्शन मुझे चाहिए। कंपोनेंट्स में जाऊँ फिर, इधर किधर होगा यार, इधर तो नहीं। सर्च में चले, सिमुलेट में देखते हैं, सिमुलेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट में। वेरी गुड, ये व्हाट्सएप का लगाया यार, व्हाट्सएप का लगाया, ये देखें ना, ये इन्होंने खराब कर दिया। ये देखें सारे मीटर इसके अंदर निकालें जरा सिमुलेट, ये देखें सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके इधर अवेलेबल है, ठीक है? तो इसके अंदर आप डिजिटल मल्टीमीटर किधर है, ये पहला ही है मल्टीमीटर, इस पर क्लिक करें और इसको आप ये प्लेस करें जरा, करें इधर पॉजिटिव इधर लगा दें एक और दूसरा इधर, तो आर वन रजिस्टर के अक्रॉस हम ये लगा दिए, ठीक है? थक गए तो बता दें, 10 मिनट ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? बीच में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये देखें अली ने बताया कि इस पर क्लिक करें, अली का रोल नंबर दोबारा लिखें, ठीक है? ये इनके टिक करते जाना, जितनी दवाई बताएं ना आगे टिक करते जाना। अच्छा ये देखें इस पर डबल क्लिक करें मल्टीमीटर पे, तो आप देखें तो इसके अंदर आपका इसको आप वोल्टेज भी ले सकते हैं। एक दफ़ा बहुत है सर, क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैक्सिमम लिमिट 10 की रख लेते हैं चाहे। एक दो क्वेश्चन नहीं यार, फिर वो डिस्करेज होंगे ना, कईयों के पास नॉलेज ज़्यादा है तो शेयर करें ना यार। अच्छा देखें वोल्टेज करंट ओहम मीटर या डीवी ये सारा कुछ एसी डीसी कुछ भी मेजर कर सकते हैं। अभी डीसी है तो हम डीसी पे क्लिक करेंगे, वोल्टेज चेक करना चाह रहे हैं तो वोल्टेज करेंगे। अच्छा अगर करंट पे करते हैं तो फिर सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस पे करके ये देखें, अब इसी को हमने करंट मेजर करना है तो इसको कैसे लगाएंगे, अब लगा के दिखाएं मुझे पहले। ब्रेक करेंगे सर इसको, अब नीचे से कहीं से ब्रेक करते हैं, इसको लगा रहने दें, कॉपी पेस्ट करें इसको, ठीक है? इसको मैं फॉर एग्जाम्पल इधर लगाना चाह रहा हूँ, इधर रखें जरा, अब मैं इधर सीरीज में लगाना चाह रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक करें पहले, इसको एम्प्स पे करें, हाँ इधर रखें, इस पर डबल क्लिक करें, इसको एम्प्स में करें, ए और डीसी इज ओके, ठीक है? और ये सेट में जाएं जरा, सेट में भी ये देखें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें,
ये सेट में जाएं तो ये देखें आपको डिफरेंट डिस्प्ले सेटिंग्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स हैं, सेंसिटिविटी, ये चीज़ें अभी फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी कर सकते। अच्छा, अब हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? अच्छा, नीचे मैं ब्रेक करूँगा सर्किट, ये सर्किट ब्रेक किया, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया ऐसे, और यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, सही। तो ये अब सर्किट आपका लग गया। तो ये जब भी एमीटर लगाना है तो आपने सीरीज़ में और वोल्ट मीटर उसमें। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, रन करें दोबारा, अब इन पे रीडिंग्स देखें। अच्छा, इस पे फिजान क्या कह रहे हैं? बस जस्ट माइनस साइन हो जाएगा, ये आपने उल्टा लगाया तो इसलिए माइनस साइन हो जाएगा, अदरवाइज आप तो ये कर सकते हैं। अच्छा, इस पे डबल क्लिक करें तो इस विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। ये किसकी विंडो है? जिसकी विंडो है उसके करीब ले जाएं ताकि ईजी हो जाए समझना, ठीक। हाँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं मेरे ख्याल में, नाम चेंज करें ज़रा, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसका नाम चेंज करके दिखाएं, कौन करेंगे? अच्छा, इस पर मैंने क्लिक किया फिर, वेरी गुड, ये ज़ोबिया ने सही बताया, ज़ोबिया का नाम लिखें। अच्छा, वो कलर के ऊपर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इसमें देखें ये एरो शेरो, इसमें फिल स्टाइल होगा कैसे? डबल क्लिक करें बस, कलर पे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, आपका हो रहा है? देखें जरा किसका हो रहा है, काट देते हैं, गलत है। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये नहीं हो रहा है, ऐसे ही है ना, चले ये करें, कुछ करें, किसी का होता है तो चलें छोड़ें, फिलहाल नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर, तो आप इसको रन करें, रन करेंगे तो ये देखें आपका ये 10.9 वही वोल्ट है जो आपकी इसमें आई थी, ठीक है, वोल्टेज है, नहीं नहीं ये वोल्टेज है, वोल्टेज है, और ये मिली एम्पीयर है, ठीक है, तो ये 10.9 मिली एम्पीयर आपका करंट है, ठीक है, ये वही करंट है, ये देखें जो आपका इधर आ रहा है, ये सेम, ठीक है। नेगेटिव का जस्ट मतलब है कि आपका रिवर्स। अच्छा, ये रिवर्स इधर से भी कर सकते हैं, ये देखें इस प्रोब को, करंट की प्रोब को उल्टा करें, इस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और रिवर्स प्रोब डायरेक्शन करें, ठीक है, तो ये देखें उसका करंट भी नेगेटिव हो गया, सही है, रिवर्स राइट क्लिक, रिवर्स प्रोब डायरेक्शन, तो ये देखें उसका करंट आपका रन करें तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो आपने देखा ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ें नहीं आती, ठीक है, हाँ, वो जो पीक टू पीक वो चीज़ें हैं, ये देखें इसकी प्रोब्स में आ रही हैं, या इसको ग्राफ की फॉर्म में देखना है तो अभी हम ये इंटरेक्टिव सेशन में हैं, ये देखें हम इंटरेक्टिव कर रहे हैं, इंटरेक्टिव पे क्लिक करें, इसको इंटरेक्टिव पे क्लिक करें, तो हम इंटरेक्टिव में थे अभी, ये इसके बाद अभी ट्रांजिएंट पे आएंगे, ये ट्रांजिएंट पे, ठीक है, तो ट्रांजिएंट पे एसी सिग्नल जब लेंगे तो ट्रांजिएंट पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद डीसी स्वीप भी है और बाकी जो करेंगे साथ साथ चलते जाएंगे, ठीक है, फिलहाल इसको कैंसिल करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अच्छा, इसके बाद इसको रन करें, अब हम इसकी पावर देखते हैं, सोर्स की पावर और जो आपकी लोड कह लें, दो रजिस्टर हैं, लोड है, लोड की पावर आपकी क्या होगी? द सम ऑफ पावर सप्लाइड, पावर सप्लाइड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पावर अब्सॉर्ब्ड, या इसको जो भी कह लें आप, तो ये कौन सा लॉ है वाला? ये आपने सर्किट एनालिसिस में पढ़ा होगा, नेटवर्क एनालिसिस में, इनका रोल नंबर दोबारा लिखे, इनका फिजाने मदीना का, तो टेलीजेंस थ्योरम है, ठीक है, पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब्ड, ये देखें इन्होंने एफर्ट की हुई है उस वक्त की, मुझे याद है। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर पावर सप्लाइड देखें तो ये कितनी है भला? नेगेटिव में आ रही है, ऐसी है ना, तो सप्लाइड नेगेटिव है, 131 मिली वाट है, ठीक है, और पावर अब्सॉर्ब्ड देखें तो 119 मिली वाट आपकी रजिस्टर वन की है, ये रजिस्टर वन की है, ऐसी है ना, 119, और दूसरी की कितनी है? वो 11.9 है, क्यों ये कम क्यों है? छोटा रजिस्टर है, वेरी गुड, तो बी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई चूंकि सेम है दोनों में तो आर पे डिपेंड करेगी पावर, तो आर की वैल्यू 10 टाइम्स कम है तो पावर भी 10 टाइम्स कम होगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर पावर का भी हो गया, और क्या चीज़ इसमें एनालिसिस कर सकते हैं हम, जरा आप भी कोई इनपुट करें ना, ग्राफ रह गया बस, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके अंदर, अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर एसी सोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसको करें स्टॉप,
डीसी सोर्स पे डबल क्लिक करें और इसको करें रिप्लेस, और इसमें एसी पावर लगाएं और ओके कर दें। हाँ वो कैसे वैलिड होगा उसका ये है कि देखें रजिस्टर की भी तो रेटिंग होती है, पावर रेटिंग भी होती है और डेफिनेटली उसे आप करंट रेटिंग भी निकाल सकते हैं। तो जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से आप देखेंगे कि वो दैट कैन टैकल आर नॉट, तो उसे आपको पता चल जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा अब आप देखें एसी सोर्स आ गया आपका। अच्छा अब बाई डिफॉल्ट चलें वैल्यू यही रख लेते हैं, 120 बी आर एम एस है और 60 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस पर डबल क्लिक करें एसी सोर्स पे, इस तरह डीसी पे भी कर सकते थे, ठीक है। ये देखें वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वोल्टेज ऑफसेट है। वोल्टेज ऑफसेट क्या होता है? हाँ शिफ्ट, यानी ये अभी तो जो वर्टिकल 0 वोल्ट पे होगी, यानी तो अगर इसको शिफ्ट करना है 2 वोल्ट वर्टिकली, 2 वोल्ट ऊपर जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर ऑफसेट हो गई। अच्छा फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, टाइम डिले क्या है। अच्छा ये चीज़ें आपने मुझे बतानी है, ये सारी हमने करके देखनी है, ठीक है। ये बल्कि आपका टास्क है छोटा सा, ये आपने मुझे सबको बीच में ब्रेक जब होगी या उसके बाद, ये आपने मुझे सारे काम टाइम डिले करके दिखाना है कि वेफा में ये देखें ये फर्क पड़ा है। अच्छा उसके बाद वोल्टेज ऑफसेट, ये दो काम आपने करने हैं, ठीक है। सिर्फ दो काम, ये टास्क वॉलंटियर टास्क है, जो करेगा उसको हम ठीक ये याद रखना है बाप। अच्छा डैम्पिंग फैक्टर है, अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ये इसको भी यूज़ कर सकते, टाइम डिले तो हो गया। अच्छा फेज है, फेज उसका भी हम कर सकते हैं लेकिन उसमें भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, आगे हो सकता है चांस। बाकी ये सारे ऑप्शन है जो हमें शायद यूज़ ना करें, लेकिन यह कि ये भी आप ओके करें। चलें अब हम इसको रन करते हैं इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है। रन किया, ये देखें अब फर्क बताएं, वो आपने पहले डीसी सोर्स था तो आप सिर्फ ये वोल्टेज प्रोब को ले लें सिंपल, पीक टू पीक, ये देखें अब आपकी जो वो दो वोल्टेज थी वीडीसी और ऊपर भी, इसमें आप फर्क बताएं मुझे। वंडरफुल वंडरफुल, अली 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 अली, इनका टेक और लगाएं। तो ये देखें आपकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है कि जो आपकी क्या है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस क्यों, एसी सोर्स में इंस्टेंटेनियस एट एनी चेंज हो रही है तो वो वोल्टेज शो कर रहे हैं, ठीक है। और डीसी जो है ये डीसी कंपोनेंट होगा, एसी के अंदर अभी प्योर एसी है तो इसके अंदर डीसी कंपोनेंट नहीं है, तो मिली वोल्ट में मीन जीरो, ठीक है, फिलहाल ये जीरो। और इसी तरह अगर आप देखें तो मैक्सिमम पीक कितनी है। अच्छा ये डीसी कंपोनेंट अगर एसी के अंदर डालना चाहें फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम वो क्लैंप सर्किट आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े थे ना, क्लैंपिंग नहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने फ्लॉइड की बुक पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में या दूसरे में पढ़ी थी ना, हाँ सेकंड में पढ़ी होगी, उसमें वो पहला चैप्टर जो था जिसके अंदर क्लैंपिंग कर क्लिपिंग होना शुरू हुई, नहीं क्लिप नहीं डीसी ऑफसेट डाल, वो तो डायोड लगा उसको क्या कहते थे, डीसी ऑफसेट डाल देते थे एसी के अंदर, सर डायोड लगाते थे ऊपर से कट हो जाती थी। अच्छा इसके अंदर डीसी कैसे डालेंगे वैसे, चलिए ये भी एक क्वेश्चन है आपसे, आप जरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसकी सीरीज में एसी सोर्स में डीसी डालेंगे वैसे, यही मुझे लगता है। नहीं मैं इस एसी के अंदर डीसी कंपोनेंट वी डीसी यानी कंपोनेंट डालना चाह रहा हूँ, डीसी ऑफसेट जिसको कहते हैं या जो भी कह रहे हैं, ये अभी हम करेंगे याद रहो ना, ठीक। जब हम ये ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे उसमें करके देखेंगे ऊपर जाती है, ठीक ये अच्छा है। अच्छा चलें यहाँ आप करके मुझे दिखाएंगे, ठीक। अच्छा ये हो गया, ये इंस्टेंटेनियस होगी, नीचे वी डी सी इस वक्त जीरो है, फ्रीक्वेंसी देखें इस वक्त आ गई है, पहले नहीं थी, 60 हर्ट्ज आपको शो हो रही है। अच्छा दो चीज़ें और एक्स्ट्रा शो हो रही हैं, देखें ये क्या है, पीक टू पीक, पीक टू पीक और आर एम एस, ठीक है, पीक होती है साइन वेव में। तो अब मुझे बताएं कि ये पीक टू पीक जो 339 आ रही है ये कैसे आई है ये बता दें। अच्छा वी आर एम एस से निकालनी है हमने, वी आर एम एस 120 है, ये देखें वो 100 से 20 का है मेरा वी आर एम एस, तो वो तो हमें डायरेक्ट पता चल गई, ठीक है। अब पीक टू पीक कैसे आई है, वी आर एम एस को किसे करेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, डिवाइड पीक पीक टू पीक निकालने के लिए डिवाइड, जो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे हाथ खड़ा करें, यस सर, जो कह रहे हैं डिवाइड करेंगे हाथ खड़ा करें, डिवाइड डिवाइड तो वी पीक, पहले पीक निकालें, पीक टू पीक तो सर जस्ट वी पीक को डबल करेंगे तो पीक टू पीक हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ वी पीक निकालते हैं, वी पीक क्या है कि वी आर एम एस नहीं मल्टीप्लाई वी आर एम एस होती है वी पीक ओवर अंडर टू, ऐसी है ना, तो अगर वी पीक निकालनी है मल्टीप्लाई बड़ी होगी सर, हाँ तो वी पीक निकालनी है तो वी आर एम एस को अंडर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बड़ी होगी। तो अब करें जरा मल्टीप्लाई,
120 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 170, इसको मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 करें 170 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है, तो ये 169 आ गई, ठीक है। मैं पीक कह रहा हूँ, फिलहाल पीक निकाले, उसको डबल करेंगे तो पीक पीक हो जाएगी। अब ये जो पीक आई है इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये आपकी 339.4 वही आ गई जो आपकी 339 थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने निकाल ली, इसकी समझ आ गई? अच्छा, ये हमारा वोल्टेज प्रोब पे जो रीडिंग्स थी वो हमें पता चल गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो अगर मैं ये वोल्टेज प्रोब, देखें ऐसी क्वेश्चन दूँ फॉर एग्जांपल कि ये वोल्टेज प्रोब है, मैं डीसी सोर्स की एक वोल्टेज प्रोब, जस्ट ये मैं इसको जस्ट कॉपी करूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें इसको मैं कॉपी करूँ, मैं सिर्फ कुछ ना बताऊँगी ये क्या है, तो मैं आपसे पूछूँ कि सोर्स क्या है, तो आप बता सकते हैं ना, पता चल कि कौन सा सोर्स है, बस वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना आपने, अच्छा अब आप आगे चलें नेक्स्ट, ठीक है। तो आगे और क्या है इसमें, पावर में भी देखें तो एक इंस्टेंटेनियस पावर है और दूसरी आपकी एवरेज पावर है, तो एवरेज पावर देखें सेम, मतलब सम वो रूल अप्लाई होता है या नहीं, वो रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं, ये देखें -13.1 हो रहा है सर, होता है वो -13.1 सोर्स की जो दिखाएं चली, ये देखें सोर्स की है ये वाली -13.1, ठीक है। और इधर आप देखें आपकी 11.9 है एक, ये 11.9 है एक, और दूसरी है 1.19। अब इन रजिस्टर को सर पैरेलल मिलवा के फिर देखिए, हाँ ये देखें, हाँ ये अभी अच्छा आइडिया है, ये अभी करते हैं 1.19, ठीक है। तो ये करें ऐड करें तो कितना बनता है, सेम ही वो पिछली वाली 1.19 प्लस 11.9, ठीक है, ये 13.09, तो वो 13.1 ही हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, और बाकी तो मेरे ख्याल ये करंट देखें तो करंट की प्रॉब भी वही सेम इन्फॉर्मेशन दे रही है जैसे वोल्टेज की दे रही थी, ये देखें, ठीक। तो आपकी वो इंस्टेंटेनियस है, पीक टू पीक है, और RMS है, और इसी तरह ये नीचे है, ठीक। ये भी हो गया, चलें ये तो हमारा हो गया। अब पैरेलल का क्या कह रहे थे, रेजिस्टर को पैरेलल लगा के देखें और फिर पावर देखें सर, ये पैरामीटर सारे देखते हैं, वोल्टेज क्या होता है सर पैरेलल में, वेरी गुड। अब आप पैरेलल में खुद करें, चलें पैरेलल में ये होगा कि करंट प्रोब दो लगानी पड़ेगी, वोल्टेज प्रोब एक लगानी पड़ेगी, पावर की तो तीनों ही लगेंगी, पावर भी ये आप करके दिखा देंगे, छोटा सा टास्क है। यस सर, इसके बाद ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल, ब्रेक लेनी है या वैसे चले आगे? चले अब आप पैरेलल में बनाए जरा। अच्छा, इसको इस सर्कल को रहने दें, इसी को कॉपी करें और एक पैरेलल में बना लें, समझ रहे, इस सर्कल को ना छेड़ें, इसको आप पूरे को कॉपी करें, ये देखें मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और नीचे मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, ये देखें, और नीचे वाले को चेंज कर लें ताकि एक आपका सर्किट वो रहे, ये देखें पूरा कॉपी करें सारा, अब नीचे वाले को चेंज कर लें, बस इसको पैरेलल में कर लें, जी इसमें मल्टीमीटर डिलीट कर दें, जस्ट सिंपल सर्किट रखें, ठीक है, मल्टीमीटर डिलीट कर दें, बस आप इसको सिंपल रखें और इसको पैरेलल में कर दें, यस। फॉर एग्जांपल मैं ये R1 है, इसको भी मैं कंट्रोल R करके इधर पैरेलल कर लेते हैं पहले, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अच्छा, उसके बाद रेटिंग क्या रखनी, रेटिंग यही रहने दें, क्या ख्याल है हसन? ओके गुड, अच्छा
अच्छा अली एक इधर से ना मीटर, ये वोल्ट मीटर एक इधर लगाएं और एक इधर लगाएं, ऐसे जैसे समझा रहे हैं पूछते हैं। अब इसका कुछ आप एनालिसिस भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपको समझे। अच्छा एक चीज मैंने इधर देखा ना, एक ये आप मुझे बताएंगे, मैंने एक वोल्ट मीटर इधर लगाई है प्रोब और एक इधर लगाई है, आप मुझे बताएं कि ये दो वोल्टेज प्रोब की रीडिंग डिफरेंट होगी? ठीक है ठीक, समझ आया। एक डिलीट कर दें, बस एक डिलीट कर, एक ही है। वेरी गुड, चलिए अब आप इसका एनालिसिस करें। शुरू में जो करंट जा रहा है सर दोनों में ऐड हो रहा है। अच्छा आप रन किया हमने, शुरू में जो करंट जा रहा है 1.32 सर। हाँ वेरी गुड, एक करंट प्रोब तीन लगानी पड़ेगी, ठीक है, कंट्रोल सी वी और ये तीसरी लगा दी, ठीक है। अब इसको रन करें तो ये देखें आपका करंट जो है इधर कितना है, 1.32 है आरएमएस वैल्यू, और ये डिवाइड हो रहा है आपका 120 मिली एम्पीयर यानी 0.12, और इधर भी 1.2। तो ये करंट इधर ज्यादा है, क्यों वजह? रेजिस्टर की वैल्यू कम है तो करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है, ठीक। और अच्छा पावर जो है वो क्या है? अच्छा अब आप देखें पैरेलल के अंदर लो रेजिस्टर जो है उसके अंदर पावर ज्यादा है, समझ रहे हैं? अच्छा इससे मैंने जो मुझे वो एनालॉजी समझाया कि जिसके अंदर दो बल्ब, वो कहते हैं कि एक ही वाट के वो सीरीज में लगाए हुए हैं, वो एक क्वेश्चन आता होता है ना उसमें क्या होगा, क्वेश्चन पहले तो समझाया मुझे क्वेश्चन क्या होता है, वो दो वाट के दोनों सेम बल्ब है, ठीक है। वेरी गुड, अब इसका आंसर बताएं, उसकी वजह क्या है? नहीं देखें ऊपर हमने सीरीज में लगाया हुआ है, सीरीज में वोल्टेज किसकी कम है, मतलब इस इधर से समझाया ना मुझे, सीरीज सर्किट के साथ उसको रिलेट करें ना, ये दो ऊपर समझे कि दो बल्ब लगे हुए हैं आर वन आर टू सीरीज में और नीचे दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इस एनालॉजी से कोई मुझे समझाया कोई, अच्छा पावर कंज्यूम कम कर रहा है, देख लेते हैं 1 के का रेजिस्टर सीरीज में देखें ऊपर सीरीज वाला, वो 11.9 वाट है कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ये जो ज्यादा कंज्यूम करेगा ऐसी है ना, तो फिर वो 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट हो रहा है या 50 वाट वाला? यार ये कंफर्म करना, मैं वैसे आपको क्वेश्चन छोड़ के आ रहा हूं, मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा, लेकिन मुझे वैसे याद आया कि उसको इससे रिलेट कैसे करेंगे, कोई करे आप में से रिलेट बताइएगा। अच्छा इसी तरह पैरेलल में बल्ब होंगे दो तो फिर क्या होगा? तो ये रेजिस्टेंस कम है सर, जिसकी रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा होगा, ठीक है। आपने देख लिया कि पैरेलल के अंदर जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर ज्यादा है, 144 वाट है, सही ना? कितने टाइम्स ज्यादा है वैसे उससे दूसरे से? 10 टाइम्स ज्यादा है और सीरीज में 10 टाइम्स कम है पावर, सही है ना? हाँ पैरेलल में लगाते हैं वोल्टेज सेम है। अच्छा चले पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती जाती है ज्यादा, हाँ कम। अच्छा चलें आगे चलें, आगे क्या है, करंट बढ़ता जाता है डेफिनेटली जब सोर्स करंट। अच्छा अब हम इस पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं और सोर्स करंट देखते हैं बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए। अगर इसमें मैं 100 ओम का एक इसके मजीद पैरेलल में तीसरा रेजिस्टर लगा देता हूँ, सोर्स करंट को क्या फर्क पड़ेगा? कितना होगा? आप एक पैरेलल में रेजिस्टर लगाएं 100 ओम का, अभी देख लें फिर इसको स्टॉप करें और 100 ओम का यही रजिस्टर कॉपी पेस्ट करें और इसको साइड पे रखें और दोबारा इसको कनेक्ट करें और इसके क्रॉस भी एक सीरीज में एमीटर लगाएं, कंट्रोल सी वी और ये करें, वेरी गुड। अब इसको रन करें, अब आप देखें फिजान क्या फ़र्क पड़ा है, अब आपने बताना पहले IRMS कितना था और अब कितना, बल्कि इसको आप ये करते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, लेकिन सर्किट नहीं आएगा इधर मेरे, दूसरा तीसरा। अब इसको ऊपर कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दें, इसको जस्ट डिसकनेक्ट करके देख लें पहले, इसको पहले स्टॉप करेंगे, ये डिसकनेक्ट कर लें एक वायर इसकी ये जस्ट, अब आप रन करें इसको तो देखें आपकी वोल्टेज करंट कितना है, जस्ट करंट देख रहे हैं 1.32 एम्पीयर है, क्यों फिर 1.32 ये देखें इन्होंने बता दिया, ठीक है। सोर्स करंट थोड़ा इसको छोटा करें ताकि वो नजर आए, ये सोर्स करंट है, ठीक है,
और वो रजिस्टर हमारा किधर लगा हुआ है, वो आखिर में अभी लगाना है, ठीक है। ये 1.32 याद रखना। अब हमने एक तीसरा रजिस्टर लगा दिया पैरेलल में, ठीक है। अब देखें 1.32 से इसको स्टॉप करेंगे अब, ठीक है। ये देखें करंट फ्लो, अब स्टॉप करें, ये इसमें तीसरे में भी करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है, और उतना ही करंट है जितना दूसरे में था, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। अब आप देखें करंट सोर्स करंट कितना हो गया, 1.3 था तो अब 2.52 हो गया, 1.41 तो ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो पावर पीछे से, अब पीछे पावर भी बढ़ गई होगी, पावर पहले दोबारा डिलीट करने जा, पावर करें पहले कितनी थी पावर, अब 302 है, पहले कितनी थी, तो ये 158 थी। सर ये आपका पहले वाला आ रहा है ना, आपका कनेक्टेड नहीं है। हाँ नहीं मतलब 158 है ना, तो जब करेक्ट करेंगे तो ज़्यादा आएगा ना। हाँ देखें ये 158 है, और मैं अगर इसको कनेक्ट करूँ तो फिर ये देखें आपकी 173 या 303 जितनी भी है वो डिफरेंट थोड़ा सा तो बढ़ गई, ठीक है। तो ये बढ़ गई है तो वही तो एनर्जी मीटर आपका घर का, तो ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, तो फिर टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू होगा, ठीक है। यही है ना पैरेलल के अंदर यही चल रहा है, हाँ करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी विद टाइम जितने घंटे चलाएंगे तो यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम, तो ये है पीछे। चलें ज़बरदस्त, ये भी हो गया हमारा। और इसमें क्या कंक्लूजन है, कोई कुछ है इसमें? और चलें ब्रेक कर लें, फिर उसके बाद करते हैं बाकी। कितने मिनट की? 15 मिनट 20 मिनट कर लें। हाँ चलें ठीक है।